11 दिन सिर्फ 3 चीजों से बने इस काढ़े को पी लो। वात पित्त और कफ से जुड़ा हर तरह का दोष दूर हो जाएगा। वात पित्त और कफ से जुड़ी हर तरह की बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जो इंसान चल फिर भी नहीं सकता वो भी दौड़ने लगेगा। खून की एसिडिटी, पेट की एसिडिटी, बुरा कोलेस्ट्रॉल, नसों में ब्लॉकेज, डायबिटीज, यूरिक एसिड जैसी समस्याएं हो जाएंगी बिल्कुल जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी काढ़े को बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों यदि आप इस काढ़े को बनाकर हर रोज लगातार 11 दिन तक सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की सिर से लेकर पैर तक की हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये काढ़ा वात पित्त और कफ इन तीनों तरह के दोषों का इलाज है। इन तीनों तरह के दोषों को दूर करने का काम करता है। और दोस्तों हमारे शरीर में चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, दोस्तों वो इन तीन दोष वात पित्त और कफ से ही शुरू होती है। यानी यही हमारे शरीर की बीमारियों के जनक है। जैसे वात बढ़ेगा तो वात के रोग लगेंगे, पित्त बढ़ेगा तो पित्त के रोग लगेंगे, कफ बढ़ेगा तो कफ के रोग लगेंगे। और ये काढ़ा इन तीनों का ही इलाज है। और आपको इस काढ़े को बनाना भी बिल्कुल आसान है। आपको इसके लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है जो आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की एसिडिटी है, यानी कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बुरा कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो दोस्तों ये उसका भी इलाज है। और आपके शरीर की इस बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज करेगा, जिससे कि आपको ना तो कभी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आएगी और ना ही आपको हार्ट अटैक आएगा। या इसके अलावा आपके शरीर में कहीं कोई भी नस ब्लॉक है तो दोस्तों ये उसका भी इलाज करेगा और आपकी सिर से लेकर पैर तक की हर ब्लॉक नसों को खोल देगा, जिससे कि आपको दिल की बीमारियों से बचा कर रखेगा। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है और डायबिटीज की बीमारी को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, या जिनको आज डायबिटीज नहीं है वो इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों वो भी लगातार इस काढ़े का सेवन कीजिए। उनके लिए भी ये काढ़ा एक वरदान है। पहला तो ये उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा और इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उन सब से भी आपको बचा कर रखेगा। दोस्तों यदि आपको एसिडिटी की समस्या, आपको पेट में एसिडिटी रहती है, सीने में जलन रहती है, तो दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि ये आपके पाचन को मजबूत करेगा, जिससे कि आप जो खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा, आपका शरीर ताकतवर और फौलादी बन जाएगा, आपके शरीर की कमजोरी का इलाज हो जाएगा। दूसरा, आपको कब्ज, पेट में गैस या एसिडिटी की समस्या कभी नहीं होगी, आप इन सब से बचे रहेंगे। दोस्तों ये नुस्खा यूरिक एसिड का भी इलाज है और आपकी यूरिक एसिड की समस्या को दूर करता है, जिससे कि आपको गठिया के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। ये आपको इस गठिया के दर्द से बचा कर रखता है। दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की कमी है या खून गाढ़ा है या आपके शरीर में खून में गंदगी है, तो दोस्तों ये नुस्खा उसका भी इलाज है। आपकी इस खून की गंदगी का इलाज करता है, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। दोस्तों आप 70 की उम्र में भी 50 के दिखाई देंगे। दूसरा, ये आपकी खून की कमी का इलाज करेगा, जिससे कि खून की कमी के कारण जो बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं उन सब से आपको बचा कर रखेगा। तीसरा, आपके खून को पतला करने का काम करेगा। जब हमारे शरीर का खून गाढ़ा होता है तभी हमें ब्लॉकेज की समस्या आती है, जिससे कि हमें ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है हमारे शरीर में। दोस्तों इसके अलावा इस काढ़े को पीने से जो इंसान आज चल फिर भी नहीं सकता दोस्तों वो भी दौड़ने लगेगा। यदि आपको जोड़ों या घुटनों के दर्द की समस्या है और उससे आपको चलने फिरने में दिक्कत है, तो दोस्तों ये उसका भी इलाज है। जो इंसान आज चल नहीं सकता वो भी इस काढ़े को लगातार 11 दिन पीने से दौड़ने लगेगा, और वो भी बिना किसी दवाइयों के। यानी आपने कोई दवाई भी नहीं ली, आपने सिर्फ इस काढ़े को सेवन किया और आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बन गया। आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का भी काम करेगा, जिससे कि आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। दोस्तों यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है तो ये अनिद्रा की बीमारी का भी इलाज है, और ये अनिद्रा की बीमारी भी हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। दोस्तों यदि आपको मोटापा है और आप
अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि आपने इस काढ़े को बनाना कैसे है और इस काढ़े के लिए आपको क्या क्या तीन सामग्री चाहिए। दोस्तों इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं और इन बीमारियों का घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। दोस्तों जो पहली सामग्री है वो है दोस्तों अर्जुन की छाल। दोस्तों अर्जुन की छाल आपको अपने आसपास ही कहीं मिल जाएगी या आप किसी भी करियाना या पंसारी की शॉप से आप इसको बाय कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको बाय कर सकते हैं, वहां भी मैंने लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अर्जुन की छाल के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर अर्जुन की छाल को अमृत के समान बताया गया है। यदि आप अपने शरीर को निरोगी बनाना चाहते हैं या अपने शरीर की हर बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। दूसरी जो इसमें सामग्री है वो है दोस्तों दालचीनी। और दोस्तों दालचीनी के फायदों को कौन नहीं जानता। दालचीनी को मसालों की महारानी कहा जाता है और दोस्तों दालचीनी अपने आप में ही एक चमत्कारी औषधि है जो आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज करने की क्षमता रखती है। लेकिन यदि इस दालचीनी को अर्जुन की छाल के साथ आप मिला देंगे या किसी भी नुस्खे के साथ यदि आप दालचीनी को मिला देते हैं तो उस नुस्खे की पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है, 100 गुने तक अधिक उसकी पावर हो जाती है दोस्तों दालचीनी को मिलाने के बाद। और जो तीसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों शुद्ध शहद। दोस्तों शहद भी हमारे लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। तो आइए अब जानते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक अर्जुन की छाल का टुकड़ा लेकर रात भर के लिए 2 गिलास पानी में भिगोकर उसको रख दें और सुबह उस पानी को उस टुकड़े समेत आप उबाल लें और जब वह उबल जाए तब आप उसमें एक चुटकी दालचीनी डाल दें और तब उसको दोबारा से उबाल लें और जब वह अच्छी तरह से उबल कर 1 कप रह जाए, यानी आपने 2 कप लिया 1 कप वो रह गया, उसके बाद उसको आग से नीचे उतार लें और सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें और जब वह सामान्य तापमान तक ठंडा हो जाए यानी कि हल्का गुनगुना ही रहे तब आप उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। और इस काढ़े का सेवन आपने दिन में 1 बार हर रोज सुबह बासी मुंह सुबह खाली पेट करना है। और दोस्तों यदि आपने लगातार 11 दिन तक बासी मुंह इस काढ़े का सेवन इन तीन चीजों से बने इस काढ़े का सेवन कर लिया तब आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा, आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा और आप बिल्कुल स्लिम और फिट बन जाएंगे, आपका शरीर निरोगी बन जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को अपने घर पर आज ही बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।